लेक्चर एट व्हाट इज रिकर्सिव डेफिनेशन और रिकर्सिव डेफिनेशन को किस तरह यूज करेंगे टू डिफाइन पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड इंटीजर्स और पैलिंड्रोम। तो इस लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन है क्या और फिर इसको कैसे यूज करेंगे हम। दो एग्जांपल्स लिए मैंने पॉजिटिव इवन नंबर्स के लिए और पैलिंड्रोम के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन है क्या। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 7 में बताया था, दुनिया में कोई भी ऑटोमेटा हो उसको पता कैसे चलता है कि मुझे ये इनपुट जो दिया गया है वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, क्योंकि वो रूल्स पे काम करता है जो उसको हम डिफाइन करते हैं लैंग्वेज डिफाइन करते वक्त। दुनिया में कोई मशीन हो उसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज डिफाइन की जाती है, मतलब उसके रूल्स डिफाइन किए जाते हैं ताकि उसी रूल से वो हम यूज़र से जिससे इंटरेक्ट कर रही है उससे वो इनपुट लेगी और उसको देखेगी कि वो वैलिड है कि नॉट वैलिड है, एक्सेप्ट करना चाहिए रिजेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स थे, हमने देखा लेक्चर 7 के अंदर डिफरेंट देयर डिफरेंट मेथड्स, मैंने आप जैसे आवाज़ें कहा था। तो पहला मेथड जो मैंने बताया वो था डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, आज हम देखने जा रहे हैं रिकर्सिव डेफिनेशन और उसके बाद हम आगे देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके दो टाइप्स हैं वो, और फिर CFG, फिर हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो रिकर्सिव डेफिनेशन क्या हुआ, जैसे कि लेक्चर 7 में बताया था कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स, उनमें से डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन एक था, दूसरा हमारा है ये, इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड्स। इसके जरिए हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं किसी भी ऑटोमेटा के लिए। अब उसमें क्या था, तो उसमें तो हम सिंपली डेफिनेशन थी, कंडीशन जो थी उसको डिस्क्राइब करते थे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम 3 स्टेप्स को यूज़ करते हैं, उन स्टेप्स से हम किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। उसमें क्या था, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में सिंपली हम डेफिनेशन डिस्क्राइब करते थे, कंडीशन डिस्क्राइब करते थे, इसमें हम 3 स्टेप्स 3 रूल्स डिफाइन करेंगे किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। इन दिस मेथड वी सिंपली डिस्क्राइब द लैंग्वेज 3 स्टेप्स या रूल्स कहें आप उनको। अब रूल्स क्या हैं, सबसे पहले रूल को देखते हैं। फर्स्ट वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट्स इन द सेट, द नंबर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड मस्ट बी फाइनाइट। समझ आया, ऑब्वियसली समझ नहीं आया तो इसको मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो वो किसी रूल्स पे काम करती है, ऑब्वियसली रूल्स पे काम करती है, और किसी स्पेसिफिक चीज़ होती है उससे वो लैंग्वेज आगे बन रही होती है। जैसे कि मैं बताऊँ, अब इवन नंबर्स की बात करते हैं, तो अब इवन नंबर्स को मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, ये एक पॉजिटिव इवन नंबर्स इंटीजर्स है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज है। उसमें किस तरह के नंबर्स आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 आगे चलते जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, देखें असल में नंबर होता है 1, 2, उसके बाद 4 किस तरह बनता है, इसमें 2 ऐड होके, फिर इसमें 2 ऐड होके, फिर इस तरह सारे नंबर्स इसमें बनते हैं। मतलब इसके बाद आने वाला जो भी नंबर होता है वो 2 होता है, मतलब इसको हम x सपोज करें, कोई भी x हो यहाँ पे अवेलेबल है तो वो x प्लस 2 मतलब होके ही बना होगा, ऐसा ही है। तो मतलब बेसिक हमारे पास सबसे पहले हम कोई भी लैंग्वेज हो उसमें क्या देखते हैं पहले स्टेप में, कि इसमें नंबर कौन सा है बेसिक, उससे आगे किस तरह लैंग्वेज बन रही है। तो पहले पहले हम बेसिक नंबर्स को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। अब इसमें स्पेसिफाई करें तो कौन सा है, 2 है, क्योंकि बाकी तो इससे बन रहे हैं ना, असल में ये है स्पेसिफिक। इस तरह हम यही होता है ना, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी बेसिक जो नंबर्स हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं सेट के अंदर, ये सेट ही एक किस्म का लैंग्वेज है, कोई भी सेट है, तो उसमें कौन से जो नंबर्स हैं, कौन से लेटर्स जो हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, उससे फिर सारी चीज़ें बनती हैं। तो पहले हम वो स्पेसिफाई करेंगे। दूसरे मेथड में हम ये बताएंगे कि इस बेसिक नंबर या लेटर से आगे वाले नंबर कैसे बने, मतलब देखें 2 है तो आगे वाले कैसे बनेंगे, इससे ये x है, कोई भी नंबर यहाँ मौजूद होगा तो वो इससे प्लस 2 होके बनेगा। मतलब उसके बाद हम रूल बताएंगे कि बेसिक लेटर्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, उससे दूसरे नंबर सेट के अंदर कैसे बने हैं। सेकंड, वी गिव अ फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट्स इन द सेट फ्रॉम वंस वी ऑलरेडी नो। पहले स्टेप में हमने बताया कि कौन कौन से बेसिक नंबर्स हैं और फिर उनसे आगे वाले नंबर कैसे बनेंगे, इसमें तो 1 था 2 तो उसके आगे वाला कैसे बनेंगे। अब दूसरी लैंग्वेज होगी, कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें 2-3 नंबर्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे बेसिक, उनमें से फिर क्या हो रहा होगा, कैसे आगे वाले नंबर्स बन रहे होंगे, वो हम उसको एनालाइज करके दूसरे स्टेप में बताएंगे कि ये रूल्स हैं, इस रूल्स के हिसाब से आपके अगले नंबर बनेंगे बेसिक से। तीसरे मेथड में बताएंगे कि इन दो रूल्स के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकता। ये लैंग्वेज डिफाइन करने का तरीका है, इसमें 3 रूल्स बताते हैं, 3 स्टेप्स बताते हैं। पहले स्टेप में हमने बेसिक लेटर्स बनाए कि भाई ये लेटर्स हैं बेसिक, और दूसरे में हमने बताया कि इन लेटर से अब अगले नंबर ऐसे बनेंगे।
तीसरे स्टेप मैंने बताया कि भाई इन दो रूल्स के दो स्टेप दो रूल्स के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता इसके अंदर। अब हम इसको एग्जांपल से करते हैं तो बेस्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब बिलफर्ज मैं कहता हूँ रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पॉजिटिव इवन नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज करें, तो कैसे हम इसको यूज करेंगे? थ्री स्टेप्स। पहले स्टेप बताएंगे कि स्पेसिफाई, तो इसमें कौन सा है? हम रूल वन, टू इज इन पी इवन लैंग्वेज, टू जो है पी इवन लैंग्वेज में क्या है, बेसिक है, हमने रूल वन में बता दिया टू इज इन पी इवन, मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स में क्या है, टू है। अगर कोई और लैंग्वेज होती है तो हम दो तीन जितने होंगे खास नंबर होते हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिक वो स्पेसिफाई करते हैं, इसमें हमने टू स्पेसिफाई कर दिया, टू इज इन पॉजिटिव इवन नंबर। अब रूल टू में क्या कर दिया हमने, ये बताया कि इफ एक्स इज इन पॉजिटिव इवन पी इवन देन सो इज एक्स प्लस टू, मतलब कोई भी आगे वाला का बिल्कुल एक्स नंबर है, कोई भी है एक्स वाई जेड कोई भी है एक्स है, तो एक्स क्या होगा इससे होके बनेगा। तो हमने एक्स एक वेरिएबल ले लिया और उसमें हम सपोज करिए कोई भी नंबर हो, इफ एक्स इज इन पी इवन देन सो इज एक्स प्लस टू, वो इस टू में प्लस होके ही आगे बनेगा। नेक्स्ट सेकंड रूल में बता दिया किस तरह आगे वाले नंबर्स बनेंगे। थर्ड रूल में ये बता दिया कि द ओनली एलिमेंट इन द सेट पी इवन आर दोस दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम टू अबव रूल्स, जो इन दो रूल से बनेंगे सिर्फ वही सेट के अंदर लिखे जाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो इस तरह हमने पी इवन लैंग्वेज के लिए रिकर्सिव डेफिनेशन को यूज किया और डिफाइन किया। कोई मसला नहीं था, बस पहले स्टेप में बताना है कि भाई कौन कौन से बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे स्टेप में बताना है कि आगे वाले ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनेंगे उससे, और तीसरे स्टेप में ये बताना है कि भाई इन दो रूल से जो नंबर बनेंगे सिर्फ वही सेट में लिखे जाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। बस इस तरह लैंग्वेज को हम डिफाइन करते हैं तीन स्टेप में। अब देखिए पहले स्टेप में ये बन गया अगला एलिमेंट, फिर इस तरह आगे बनते जाते हैं, मतलब ये जो डेफिनेशन है तीन जो रूल्स हैं ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगी तब जाके पूरी लैंग्वेज बनती जाती है ना, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है रिकर्सिव डेफिनेशन मेथड को। कि रिकर्सिव का मतलब होता है दोहराना, जो चीज़ अपने आप को बार बार रिपीट कर रही होती है, इसी वजह से इसको रिकर्सिव डेफिनेशन नाम दिया गया। उसमें क्या था, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, लेकिन सेवन के अंदर जो मैं बताया था पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा, रिकर्सिव डेफिनेशन। इसको रिकर्सिव डेफिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन ये वजाहत अपने आप को बार बार रिपीट कर रही होती है, दोहरा रही होती है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया रिकर्सिव डेफिनेशन, जिसके अंदर तीन स्टेप्स है जो मैंने आपको बता दिया और एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल करते हैं पैलिंड्रोम के लिए, रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले तो पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने लेक्चर सेवन के अंदर भी इसके लिए डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का मेथड यूज किया था, आज हम रिकर्सिव डेफिनेशन का मेथड यूज करेंगे। तो पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्या होती है, कोई भी डेफिनेशन जिसका अगर बिल्कुल ये नंबर है इसको आप रिवर्स करो तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, तो इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम, कि रिवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हमें रिकर्सिव डेफिनेशन के लिए यूज करनी है, तो कैसे करें? स्टेप वन में बता दिया कि भाई नल स्ट्रिंग होगा और ए एंड बी आर पैलिंड्रोम लैंग्वेज। अब हम दो नंबर्स को यूज करते हैं एंड बी को, कोई भी ए एंड बी आर पैलिंड्रोम बता दिया। फिर हमने बता दिया कोई भी वर्ड होगा, कोई भी लेटर होगा जो बिलोंग करता है पैलिंड्रोम लैंग्वेज से, तो किससे कैसे बना होगा, ए उसके बीच में ये आएगा, उसके बीच में आखिर में आएगा, तो अब इसको रिवर्स करेंगे तो वही आएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो वही आएगा, तो हमने बता दिया कोई लेटर होगा जो बिलोंग करता है इससे वो इस तरह बना होगा। तीसरा हमने बता दिया कि भाई इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रिंग नहीं आएगा जब तक वो रूल वन और रूल टू को फॉलो नहीं करता, यहाँ इससे नहीं बना, बस सिंपली हमने इस तरह पैलिंड्रोम लैंग्वेज की यूज कर लिया। तीन स्टेप प्रोसेस था, पहले स्टेप मैंने बता दिया बेसिक ऑब्जेक्ट्स, दूसरे अब मैंने बेसिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से यूज़ किए ए और बी, तो दूसरा मैंने बता दिया कि इसके अलावा कोई भी लेटर होगा वो इस तरह बनेगा ए डब्ल्यू ए और बी डब्ल्यू, मतलब बीच में आएगा सिंपली, कोई भी अब यहाँ पे आप कोई सी लिखते तो सी इसके बीच में देते, इसके बीच में देते उसको रिवर्स करते तो वही आता। तो इसके बाद रूल थ्री में बता दिया कि इन दो रूल्स के अलावा जो बनेगा वही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रिंग नहीं आएगा। लेक्चर सेवन में देखा कि भाई दुनिया में कोई भी ऑटोमेटा हो जरूरी सी बात है वो किसी रूल्स पे काम करेगी, तभी तो हमसे यूज़र उससे इनपुट देगा। अब नॉर्मली आप दुनिया में देखो आप कोई इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, सिर्फ उसी में आप समझोगे, इसके अलावा कोई आपसे फ्रेंच में बात करे स्पेनिश में बात करे आपको नहीं आती वो लैंग्वेज, आपको समझ नहीं आएगा। इस तरह कोई मशीन होती है तो वो उसको सबसे पहले हम रूल्स बता देते हैं, लैंग्वेज डिफाइन कर देते हैं, भाई आप इस रूल्स पर काम करोगे तभी तो यूज़र उसको देगा। पेट्रोल पंप वाला पहले रकम डालता है, उसके बाद पेट्रोल डालने वाले बटन पर क्लिक करता है तभी पेट्रोल जाता है, किसी और बटन पर क्लिक करेगा नहीं जाएगा। तो ये रूल्स उसको डिफाइन किए गए जिस रूल से वो हमसे यूजर से इनपुट लेगा, वो बताएगा वैलिड है कि नहीं वैलिड और फिर उस हिसाब से वो प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए अब लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए मेथड चाहिए होते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया,
कंडीशन को डिस्क्राइब किया जो कि स्ट्रिंग के ऊपर लगती है, लगेगी स्ट्रिंग किस तरह आप बनाएंगे। आज हमने रिकर्सिव डेफिनेशन मेथड यूज़ किया जिसके अंदर हमने एक डेफिनेशन बताई जो बार बार अपने आपको रिपीट करेगी। तीन स्टेप प्रोसेस था, तीन स्टेप थे, तीन रूल्स थे। मतलब पहले स्टेप में सिर्फ ये बताना है कि अभी बेसिक ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, दूसरे स्टेप में बताना है कि आगे वाले नंबर्स कैसे बनेंगे उस बेसिक में से, फिर तीसरे स्टेप बताना है कि भाई इन दो रूल्स के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट्स में नहीं आएगा। बस इतना सा था। अगले लेक्चर में देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके हम बाकायदगी से एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी सोल्व करेंगे। तीन चार लेक्चरों में बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ताकि रेगुलर एक्सप्रेशन ही असल मेथड है कोई यूज़ होता है। ये तो सिंपली थे, डिस्क्रिप्टिव था और रिकर्सिव था, ये बिल्कुल इंग्लिश वाले थे तो ये तो आसानी होते हैं और इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती जितनी रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनल ऑटोमेटा को दी जाती है। तो उस लेक्चर को हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को और सिर्फ एग्जाम्पल्स में हम बाकायदगी से तीन चार लेक्चरों में सोल्व करेंगे हर तरीके का। अब तक के इतना, थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।